અને થ્રી વ્હીલર્સને સરકારથી મોટું બૂસ્ટ મળી રહ્યું છે. સરકારે ફેમ ટુ પોલિસીની મર્યાદા 4 મહિના માટે વધારી દીધી છે. અને આ સમાચાર પર વધુ વિગતો લઈએ સંવાદદાતા રોહન સિંહ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે એમની પાસેથી. રોહનજી, ફેમ ટુ પોલિસી કો લેકર ક્યા અપડેટ આ રહી હૈ આપકે પાસ? जिस खबर का मतलब है कि 31 मार्च के बाद भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलने वाली जो सब्सिडी है वो जारी रहेगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का एक बहुत बड़ा डर था क्योंकि जो स्कीम है फेम टू स्कीम वो 31 मार्च को खत्म हो रही थी. तो अब सरकार ने ये साफ किया है कि 31 जुलाई तक 4 महीने के लिए फेम टू पॉलिसी को फिर से एक्सटेंशन दिया गया है. करीब 500 करोड़ रुपये का एक टॉपअप दिया गया है और ये जो अमाउंट है ये खासतौर पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स जो है उनको सब्सिडाइज करने के लिए खर्च किया जाएगा. और कुल मिलाकर इससे पहले भी सरकार एक टॉपअप कर चुकी है 10,000 करोड़ के ऊपर, करीब 1500 करोड़ रुपए और डाल चुकी है और अब ये 500 करोड़ का और टॉपअप होगा. तो अब कुल मिलाकर जो है इंतजार इस बात का है क्योंकि फेम थ्री पॉलिसी अंडर वर्क्स है और बहुत जल्दी सरकार इसकी घोषणा कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि आम चुनावों के बाद इसकी घोषणा होगी और जो अगला बजट आएगा उसमें इसकी घोषणा होगी. लेकिन तब तक जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो सेल्स है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए इसके लिए ये जो एक्सटेंशन है वो दिया गया है. जी रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल